नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं नोकिया कंपनी के मोबाइल फोन में और एक मॉडल है, देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 5230 5232 है, 5230 है और 5233। इसके तीनों के एक ही सर्किट आते हैं दोस्तों, उस सर्किट के बारे में हम देखेंगे। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये नेटवर्क सेक्शन है। दोस्तों मैंने अभी तक आपको बहुत सारे ऐसे मोबाइल फोन्स के बारे में बताया है जिसमें नेटवर्क सेक्शन और पावर सेक्शन के बारे में बताया है। तो दोस्तों हम ऐसे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, हमेशा ये नए नए बोर्ड के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हर एक बोर्ड के बारे में धीरे धीरे एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको धीरे धीरे एक आइडिया मिलते जाएगा कि मोबाइल फोन में कौन सी नई आईसीज आ रही है। और आगे दोस्तों ऐसा होगा कि आपको हर एक आईसीज के बारे में मालूम होगा, हर एक आईसीज के बारे में पहचान आपको इजिली मालूम पड़ सकती है। तो दोस्तों ये हमेशा वीडियोज देखते रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए, बस मैं यही कहूँगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ से यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एक फ्रेम बना हुआ है, यहाँ पे जो आईसीज बनी हुई है, तो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है इसे हम बोलते हैं फीम आईसी। फीम आईसी में दो आईसी होती है, जैसे मैं आपको पहले ही बता था, PFO एंटीना स्विच मिलकर एक आईसी बनती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी, इसे हम फीम आईसी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये फीम आईसी लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है दोस्तों RFIC। RFIC की पहचान मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये क्रिस्टल यूज हुआ है दोस्तों। क्रिस्टल जहाँ पे 26 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक क्रिस्टल जहाँ पे यूज लगा होगा, उसके बाजू वाली आईसी सीपीयू हैगर आईसी होगी। चाहे वो हैगर, अगर क्रिस्टल के बाजू में सीपीयू लगा है तो हमें ये समझना है कि जो RFIC है यानी हैगर आईसी जो है वो उसका डिज़ाइन सीपीयू के अंदर किया गया है। तो दोस्तों आप हमेशा ये याद रखें, क्रिस्टल के बाजू में जो आईसी लगी होगी वो RFIC होती है। RFIC यानी नेटवर्क आईसी हम उसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे दोस्तों ये तीन आईसी यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में यूज़ की गई है, जिसमें एक है फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी, यहाँ पे RFIC यूज़ की गई है, इसके अंदर VCO और RFIC दोनों कॉम्बो किया गया है। क्रिस्टल से हम ये चीज़ पहचान सकते हैं, क्रिस्टल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क सेक्शन में टोटल तीन आईसी यूज़ की गई है। उसके ऊपर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है दोस्तों ये रैप आईसी है, यहाँ पे एक जाली लगी हुई है ऊपर। तो यहाँ पे ये जो आईसी यूज़ की गई है ये रैप आईसी है। रैप आईसी को ये प्रोसेसर या तो सीपीयू बोल सकते हैं। रैप आईसी के हमेशा बाजू में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फ्लैश आईसी यूज़ होगी, जिसे हम कॉम्बो आईसी बोलते हैं, जिसे हम रैम आईसी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये आईसीज की पहचान दी गई है कंपोनेंट डिटेल्स में। तो यहाँ पे ये फ्लैश मेमोरी आईसी लिखा हुआ है, रैप आईसी लिखा हुआ है, फीम आईसी लिखा हुआ है, RFIC लिखा हुआ है। तो क्रिस्टल के बाजू में हमने आपको पहले ही बताया था, क्रिस्टल बाजू में RFIC होती है, यहाँ पे ये फीम आईसी है, यहाँ पे ये रैप और मेमोरी आईसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स लगा हुआ है, ये सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो ऑडियो आईसी होगी, और यहाँ पे ये जहाँ पे कपलर यानी ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ है वो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये FMIC होगी। तो दोस्तों जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ है और उसके यहाँ पे बाजू में जो आईसी है ये FMIC है। उसके यहाँ पे हम उसके बाजू में जैसे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये आईसी जो दिखी है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैपेसिटर यूज़ किया गया है। तो कैपेसिटर के बाजू में हम जैसे हमने यहाँ पे एक आईसी देखा था, ये है ऑडियो आईसी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो भी सेक्शन दिया हुआ है, कौन सी आईसी कहाँ पे, इसके लिए इसका नीचे डिज़ाइन दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको और भी डिटेल्स में, अगर आपको एकदम क्लियर आईसी समझनी है, जाननी है, तो इसके लिए आप ये बुक्स खरीद सकते हो। बुक आपको अगर आपके पास अगर आपको खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, आप कहाँ से बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको कॉल करेंगे तो मैं आपको उसका नंबर दे दूंगा जहाँ से आप ये बुक मंगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप ये बुक मंगा लेंगे तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा आईसी समझने के लिए। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए ये RTC लगा हुआ है। RTC जैसे यहाँ पे देखिए B2200 लगा हुआ है, ये RTC है। RTC के बाजू में हमेशा मैंने आपको बताया था ये पावर आईसी होगी, और पावर आईसी के बाजू में ही हमेशा बैटरी आईसी यानी चार्जिंग आईसी होती है। तो दोस्तों ये आप ये RTC देख के हमेशा समझ सकते हैं कि उसकी बाजू वाली जो आईसी होगी हमेशा पावर आईसी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेक्शन बना हुआ है ये कैमरा के लिए सेक्शन बना हुआ है, ये कैमरा रेगुलेटर यानी कैमरा फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी होगी। जैसे हम नीचे एक बार देख भी लेते हैं चाहिए तो
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक कैमरा कंट्रोलर आईसी लिखा हुआ है। तो दोस्तों मेरा बस ये यही मोटिव था, एक यही था मेरा, एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था कि एक्चुअली मैंने पहले ही बहुत बार आईसीस के बारे में बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में, आपको कैसे पहचानना है। अगर आपको और भी डिटेल्स में पहचाननी है, आपको हर एक चीज़ पहचानना है, तो ये बुक्स ले सकते हैं। आपको बुक्स के लिए अगर कैसे लेना है मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, या तो मैं नीचे नंबर डाल दूंगा कि इनको कैसे आप बाय कर सकते हैं। ये इनका मुंबई CST में इनका शॉप है, तो वहाँ से आप ये बुक इजीली परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों बस एक मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू।